हाँ जी, तो यहाँ पर जो पहला ये वाला 10वां क्वेश्चन है, आपके अभ्यास का 10वां क्वेश्चन है ये। तो 10वें क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन समझो पहले। तो भूमि, आपने क्या ये वाला क्वेश्चन मुझे भेजा था सॉल्व करके? नहीं भैया, वो तो दूसरा था, वो हाँ आपने मेरे तो को समझाया था ना, वही वाला था जो मैंने आपसे अच्छा, पूछा हाँ था। मेरे को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए मैं, क्योंकि प्रोसीजर आपने बिल्कुल सही फॉलो किया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्योंकि आंसर से वो नहीं था, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई थोड़ा सा हो सकता हो रह गया हो वो चीज कुछ चीज में, लेकिन प्रोसीजर तो आपका सही था उसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी समझ में आएगा। 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पराक्रम में संयोजित करें, है ना? अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी तक हमसे जैसे किसी ने बोल दिया कि ये आपके कुछ प्रतिरोध हैं वो समानता क्रम में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध हैं आपको समानता क्रम में जोड़ दिए गए हैं ये प्रतिरोध, और ये प्रतिरोधों के आसपास जो विभवांतर लगा हुआ है वो कुछ बैटरी लगी हुई है, और उस बैटरी में जो है उसका मान दिया रहता था, बैटरी का मान जैसे मान लीजिए 9 वोल्ट दिया हुआ है, इसका हमको मान दिया रहता था 10 ओम 20 ओम अलग अलग। तो हम क्या कर लेते थे, इसको जो है वो समानता क्रम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते थे, और हमसे करंट पूछा होता था तो करंट निकाल लेते थे। अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है कोई ने हमको करंट दे के रखा हो, बोले 5 एम्पियर करंट है, और हमको ये वोल्टेज नहीं दिया हो तो बोले वोल्टेज फाइंड करो, तो आसानी से फाइंड कर लेते थे। पहले समानता क्रम का फॉर्मूला लगा के इसको चेंज कर लेते थे एक रेजिस्टेंस में, और फिर उसके बाद हम ओम का नियम लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर लेते थे, है ना? करंट की वैल्यू भी निकाल सकते थे, वोल्टेज भी निकाल सकते थे, इसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा भी निकाल सकते थे, ये सब निकाल सकते थे, है ना? लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। कैसे घुमा दिया गया है, हमसे यहाँ पर बोला गया है 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को, यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिरोधकों को, मतलब हमसे वो संख्या पूछ ली है। अब कौन सी संख्या के कितने, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, इसको ऐसा कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ा, इतना हो गया, फिर उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ा, वो ऐसा हो गया। अब हमसे ये नहीं बोला है कि हमको कितने जोड़े हुए हैं, तो हम मान लेंगे कि भैया एक्स रेजिस्टेंस, मतलब पता नहीं कितने जोड़े गए हैं, लेकिन हमने मान लिया कि एक्स रेजिस्टेंस जो है वो इसमें जोड़े गए हैं। एग्जैक्टली हमको नंबर नहीं पता है, वही तो हमको फाइंड करने को बोला उन्होंने, है ना? और हमसे क्या बोल दिया, बोले कितने रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, लेकिन इसमें आप ये जरूर बोला उन्होंने डिटेल कि पाश क्रम में संयोजित है ना? तो हमको क्वेश्चन पढ़ के पहले तो सबसे पहले डिटेल निकालना है हमको क्वेश्चन में से, कि जितनी ज्यादा डिटेल निकल सके हमको क्या क्या गिवन है ना? तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को, मतलब एक प्रतिरोध कितने ओम का है, 176 ओम का है ना? हर एक प्रतिरोध कितना ओम का है, 176 ओम का, मतलब ये 176 ओम होगा, तो ये भी जो इसका अगला होगा ये भी 176 ओम होगा, और जो पता नहीं कितने जुड़े हुए हैं, अपन ने डॉट 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 लगा दिया इसको, कि एक पता नहीं कितने जुड़े हुए हैं सभी, लेकिन कितने ओम के हैं, 176 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। काय में जुड़े हुए हैं, अच्छा किससे जुड़े हुए, समांतर क्रम में, क्योंकि अपने पास दो ही क्रम होते हैं, या तो श्रेणी या तो समांतर, श्रेणी में एक के बाद एक जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन समांतर में कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, बोले सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट की, वोल्टेज कितना दिया हुआ 220, मतलब हम क्या करेंगे एक सप्लाई लगाएंगे यहाँ पर, और सप्लाई हमें पता नहीं है एसी है कि डीसी है, इसलिए हम तो अभी बैटरी मान ले रहे हैं, आप बैटरी बना लीजिए। वैसे सही बात, सही तरीका ये होगा कि आप इसको जो है वो ऐसा गोला बनाए और यहाँ पर ऐसा प्लस माइनस लगा दें, है ना? सही तरीका ये होगा, लेकिन हमको ये पढ़ाया नहीं गया अभी, ना बताया गया, इसलिए हम इसको बैटरी मान लेंगे कि ये बैटरी है ना? इसको हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ये क्या दिखा, बैटरी कितने की होगी, ये वोल्टेज की होगी, हमको कितना वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया 220 वोल्ट, है ना? आपको हो सकता हो कई अपनी साइंस की कॉपी में कई जगह पर ऐसा गोला बना देखे, और गोले में जो है वो ऐसी ऐसी आपको वेव बनी देखे, तो मैंने आपको बताया है जब एसी यूज करते हैं अपन तो इसकी ये डीसी दिखाता है, बैटरी क्या होती है, डीसी सोर्स होती है, डायरेक्ट करंट सोर्स होती है, और जब हम घरों में यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट नहीं होता, वो एसी होता है, तो एसी के लिए हम ऐसा गोला बनाते हैं और गोले में ऐसी वेव फॉर्म बना देते हैं ऐसी, है ना? तो वो इसको एसी दिखाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको एसी डीसी के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है, तो दोनों ही सही होंगे, चाहे ये लगा दो आप चाहे ये लगा दो, कुछ भी सही हो जाएगा, है ना? और आपको जो 10th में सिखाया जाता है वो ये नहीं सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है, इसलिए आप यही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितना दिया हुआ है हमको, 220 वोल्ट। अच्छा एक और चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब ओवरऑल करंट दिया हुआ है कि पूरे जितने भी प्रतिरोध, हमको पता नहीं है कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, लेकिन इन ये जो करंट खींच रहे हैं इस बैटरी से, जो करंट खींच रहे हैं वो कितने खींच रहे हैं, 5 एम्पियर का करंट खींच रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू हमको कितनी दी हुई, 5 एम्पियर, है ना? तो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, और फिर उसके बाद आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है हमें 5 एम्पियर,
ठीक। फिर उसके बाद हमको एक रेजिस्टेंस जो दिया हुआ उसकी वैल्यू दी हुई है 176। अब हमको ये नहीं बताया गया कि कितने रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं यहाँ पर, कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं, कि हमको वो कितने प्रतिरोध कितने रेजिस्टेंस जोड़े गए वो केवल नहीं बताया गया है, बस ये बता दिया है कि ये जो है वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा खींच रहे हैं और 220 वोल्ट का करंट खींच रहे हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेप इसकी इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो अगर आप समझ गए तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। वो स्टेप ये है कि आप इस क्वेश्चन को शुरुआत करो ना, तो सिंपल सी बात है, आपको पता नहीं है कि कुछ भी कितने प्रतिरोध हैं, लेकिन ये पता है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम डायरेक्ट बिना सोचे समझे यहाँ पर समांतर क्रम के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे, है ना। दिया है लिखने के बाद समांतर क्रम से टोटल रेजिस्टेंस आर किसके आर किसके बराबर होगा 1/R1 + 1/R2। अच्छा यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, है ना, तो हम मान लेंगे कि मतलब कितने जुड़े हुए हैं, अनंत जुड़े हुए, हमको नहीं मालूम कितने जुड़े। अच्छा एक बात बताओ, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 176 ओम है कि नहीं है, 176 ओम है, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1/R = 176 + 1/176 + ... कर सकता हूँ कि नहीं इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, इसी के मान तो रख दिया मैंने, क्योंकि हर एक प्रतिरोध कितने ओम का है, 176 ओम का है, मैंने 176 ओम इसमें मान रख दिया। अच्छा यदि मुझे पता नहीं है कि ये कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो यदि मैं मान लूँ कि टोटल रेजिस्टेंस की संख्या एक्स है, यदि मैं मान लूँ कि टोटल रेजिस्टेंस की संख्या एक्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो इसको आने से पहले एक बात का आंसर दो, आपके पास 10 केले हैं, आपके पास 10 केले हैं, एक केला 5 रुपए का है, एक केला 5 रुपए का, 10 केले कितने रुपए के होने वाले हैं, 50 रुपए के, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, आपने करा क्या इसके लिए, 50 केले कैसे निकाले, एक केले का मल्टीप्लाई कर दिया 10 में, एक केला 5 रुपए का है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो कितना जाएगा टोटल, टोटल आ जाएगा 50 रुपए। अच्छा मैं यदि आपसे बोल 50 रुपए आ गए, मैं आपसे बोलूं कि आपको पता ही नहीं है आपके पास कितने केले, मैंने बोल दिया आपसे एक्स केले हैं आपके पास एक्स केले हैं, है ना, तो आप मुझे बता सकते हो, अब एक केला यदि 5 रुपए का है तो कुल केलों की वैल्यू कितनी होगी, 5x। बहुत सही, बहुत बढ़िया, किसी को डाउट इसमें, अभी आपको पता था कि एक केला कितने, जो टोटल केले हैं वो कितने हैं, 10 केले हैं, है ना, एक केला 5 रुपए का है, तो आपने क्या करा, 10 केलों की कीमत निकालने के लिए 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 10 का। अब मैंने यहाँ से 10 छुपा लिया आपसे, मेरे को आपको बताने ही नहीं 10 केले, मैं बोल रहा हूँ आपके पास एक्स केले, और अभी भी एक केला जो है वो 5 रुपए का है, यदि 5 रुपए का है तो हम क्या करेंगे, टोटल केलों की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 में अभी भी केलों का मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो केले अब कितने एक्स है, तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 5x रुपए, है ना, अब केलों की संख्या पे डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू कितनी होगा ना, ऐसा ही, किसी को दिक्कत इसमें, बस अब वापस यहाँ पर आ जाओ अपने सवाल पर, यहाँ पर आपको पता है रेजिस्टेंस को केला समझ लो, आपको मालूम नहीं है केले कितने हैं, है ना, लेकिन आपको ये पता है कि एक केला कितने रुपए का है, तो क्या करना पड़ेगा, एक केले में जितने हमने मान लिया कि एक्स केले हैं, टोटल मिला के एक्स केले हैं, तो अगर हम मान लें एक्स केले यदि हैं, तो 1/R को मैं यदि मान लूं एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में, एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में, तो मुझे अभी भी वही वैल्यू मिल जाएगी जो टोटल केले की वैल्यू होगी, दिक्कत ये है कि हमको टोटल केले की वैल्यू मालूम नहीं, तो हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, कर सकता हूं ना ऐसा मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, वही किया मैंने पहले वाले उदाहरण से, क्लियर है ये चीज, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा सवाल समझ में आ गया, बताओ अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊं, किसी को डाउट है इसमें पूछ सकता है अभी, एक बार फिर से समझो ये एक बार, हाँ एक बार फिर से समझो, केले का उदाहरण छोड़ देते हैं अपन, दूसरा चलो केले का उदाहरण लेते हैं क्योंकि आपको समझ में जाए, अभी आपके पास जो है वो मान लीजिए आपके पास 20 केले बनाना, और अब आपसे बोल रहा हूं मैं कि एक केला कितने रुपए का, पहले उस सवाल को भूल जाओ, सवाल के बारे में कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, सवाल को बिल्कुल भूल जाओ, एक केला कितने रुपए का है, 2 रुपए का है कि नहीं है, एक केला 2 रुपए का, क्या आप मुझे बता सकते हो 20 केले कितने रुपए के आएंगे,
20 के लिए आएंगे 20 गुणित दो के, 20 गुणित क्या करूंगा मैं, 20 जितने केले थे उसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका, दो का, कितने रुपए के आ जाएंगे, 40 रुपए के, आ गए ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, केलों की संख्या छुपा दे रहा हूँ, अब आपको नहीं पता है 20 केले हैं, अब आपसे बोल रहा हूँ मैं कि आपके पास x केले हैं, कितने केले, x केले, अभी भी एक केले का मूल कितना है, 2 रुपए है, तो अभी आपने क्या करा था, 20 केले थे तो 20 का मल्टीप्लाई कर दिया था 2 में, अब आपके पास कितने केले, x केले हैं, तो आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई क्या में कर दोगे, x में कर दोगे, और जब हम 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2x रुपए। अब आपकी संख्या पे डिपेंड करेगा आप कितने केले खरीद रहे हो, वो संख्या का मल्टीप्लाई कर दो उतने ही आपके केले रुपए हो जाए। ये केले का, अगर केले का उदाहरण समझ, हाँ लक्ष्मी, बोलो, केले को एक्स मान लिया, हाँ आवाज नहीं आ रही, आ रही आ रही, बोलो, केले को एक्स मान लिया, अब मतलब ये बोल रहे हैं कि अब केले को एक्स मान लिया भैया आपने, हाँ केलों के नहीं, मतलब एक केलों की संख्या को, सॉरी केलों की संख्या को एक्स माना है, पहले हमको मालूम था कि 20 केले हैं हमारे पास, अब हमको मालूम है कि हमारे पास एक्स केले हैं, अभी पता नहीं है हमको कि 20 केले हैं कि 30 है, पता नहीं है हमको, है ना। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए उधर अब अपन को पता चला कि 30 केले हैं, वो पता बाद में चलेगा, कैसे चलेगा उनको न्यूमेरिकल में देखेंगे, अगर 20 केले हैं तो 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, अगर 30 केले हैं तो 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, अपन ने जरा सा फॉर्मूला बना दिया उसका कि केलों की संख्या पर डिपेंड करेगा एक केले की संख्या, उसको बोलेंगे 2x, है ना। तो x केलों की संख्या बोला मैंने, एक केले की वैल्यू कितनी, अभी भी 2 रुपए, कंफ्यूज हो गए, लक्ष्मी ने क्वेश्चन पूछ के और कंफ्यूज कर दिया, उसको समझ में आ गया होगा और तुम लोगों को कंफ्यूज। चलो एक बार फिर से देखो, केले पे अड़े रहेंगे अपन तो अभी भी। अब आपके पास 50 केले हैं, ये सवाल इसमें का एक और आएगा इसलिए मैं देख रहा हूँ, और ये सबसे टिपिकल सवाल में से एक है, इससे कठिन कोई सवाल मुझे नहीं लगता कोई है आएगा, है ना। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कंफ्यूजन होगा, वो बाकी कंफ्यूजन ही होगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। अब आपके पास कितने केले हैं, 50 केले हैं आपके पास, 50 केले हैं, आपसे आपका दोस्त, मतलब आपके पास 50 केले हैं तो आपको दोस्त के मजे लेते हो, आप बोलते बता मेरे पास मेरा एक केला जो है, मेरे पास जो एक केला है वो जो है वो 5 रुपए का है, एक केला मेरे पास 5 रुपए का है, आपने दोस्त से बोला एक केला 5 रुपए का है, तो बता मेरे 50 केले कितने रुपए के होंगे, तो वो क्या करेगा, एक केले का मल्टीप्लाई कर देगा, एक केले की कीमत का मल्टीप्लाई कर देगा 50 में, तो बोल देगा कि भैया तेरे पास जो है वो 250 रुपए के केले हैं, है ना। और इससे अच्छा तो दुकान वाले से पूछ लो, दुकान वाले का मामला ले लो, कि आप पूछते हो कि भैया एक केला कितने रुपए का दिया, तो बोलता 5 रुपए का, बोलते मेरे को 50 केले चाहिए, आप बोलते हो मेरे को 50 केले चाहिए, तो आप कितने रुपए दोगे उसको, एक केले के 5 रुपए, तो 50 केले के 50 में फट से मल्टीप्लाई कर दो 5 का, कितने रुपए दे रहे हो आप, 250 रुपए दे रहे हो, है ना। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, आप इस 50 केले को भूल जाओ, आपके पास एक्स केले हैं, यदि एक्स केले हैं, एक्स केलों की संख्या है, मतलब मुझे मालूम नहीं है मेरे को कितने केले लेना है। अब आपसे मैंने बोला कि यार चलो भूमि को ही लेते हैं, भूमि आपको केले खरीद के लाना है मार्केट से, और ये नहीं बताया कि कितने केले चाहिए, है ना, और मैंने पैसे भी नहीं दिए कुछ इसको, भाई को दूंगा पैसे, खुद के पैसे खर्च करें। तो एक्स केले, अगर मैंने इससे बोला कि तू केले केवल खरीद के ला, मैंने बोला नहीं कितने केले लाना है, तो ये मार्केट में जाएगी, दुकान वाले से बोलेगी कि भैया एक केला कितने रुपए का दे रहे हो, तो वो दुकान वाला बोलेगा भैया एक केला जो है वो 5 रुपए का दे रहा हूँ, तो अब भूमि को याद आएगा यार मैंने पूछा तो है ना भैया से कितने केले चाहिए, है ना, तो वो तो 5 रुपए का, ये तो भूल ही गई, बोलना कि कितने केले चाहिए, लेकिन एक केला 5 रुपए का आ रहा, उसने मेरे को फोन लगाया भैया कितने केले चाहिए आपको, तो मैं बोलूंगा भूमि एक काम कर, तू पहले रेट बता दे मेरे को कितने रुपए का केला है, फिर उसके हिसाब से जो है मैं तेरे को फिर पैसे बताऊंगा कितने रुपए हो रहे हैं, है ना। भूमि बोलती है कि भैया एक केला 5 रुपए का आ रहा है, तो मैंने बोला कि भूमि एक काम कर तू जो है वो 20 केले खरीद ले, तो क्या भूमि क्या करेगी, 20 × 5 कर देगी, एक्स की वैल्यू पुट कर देगी, है ना। इसने क्या करा, इसने जनरल फॉर्मूला बना लिया कि x × 5 करना है मेरे को, x × 5 करना है। अब इसने मुझसे पूछा कितने केले चाहिए, तो मैंने बोला 20 केले चाहिए, तो भूमि फट से 20 × 5 कर देगी, यानी कि मेरे को कितने रुपए में आई, बोले भैया 100 रुपए हुए, 100 रुपए दे दो मेरे को। थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ नहीं करना है, जितने केलों की संख्या होती है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक केले की वैल्यू का,
तो हमको क्या पता चल जाता है कि कुल केलो की वैल्यू कितनी होगी, कुल केलो की वैल्यू। इसका यूज मैं क्यों कर रहा हूँ साइंस में, क्यों मैं बता रहा हूँ, इतना माथापच्ची कर रहा हूँ, मैं इसलिए माथापच्ची कर रहा हूँ कि अगर ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि हमने रेजिस्टेंस कितने लिए कैसे लिए, तो फिर आसानी से सबको समझ में जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है वो मैंने ये समानता क्रम का फॉर्मूला लिखा। पहले तो शुरुआत समानता क्रम के फॉर्मूले से करनी है आपको, आपको समानता क्रम का फॉर्मूला ये लिखा, यही होता है समानता क्रम का फॉर्मूला। ये डॉट डॉट क्या दिखा रहे हैं, पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, मेरे को पता नहीं है कितने जुड़े हैं, लेकिन ये तो पता है कि एक केले की कीमत कितनी है, वो कितनी है 176। अब मैं बटे में क्यों लिख रहा हूँ 176, क्योंकि फॉर्मूला एक बटे में है, जो आर की वैल्यू केले की वैल्यू लिखी हुई है मुझे एक बटे में फॉर्मूले में रखा हुआ है। आपको ध्यान से ये भी नहीं भूलना है कि अपन यहाँ पर केला मान रहे हैं, वो है रेजिस्टेंस ये भी बेचारा, है ना, वो तो केले के रूप में ले रहे हैं अपन उसको, तो अपन को ये केलों की संख्या अभी पता नहीं है, ये मालूम है कि एक केला कितने रुपए का है, 176 रुपए का है, है ना। तो अब मैंने क्या करा, मेरे को जो है अगर कुल केलों की संख्या ज्ञात करना है, कुल केलों की संख्या ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी केलों की संख्या जो कि अभी कितनी है एक्स है, मुझे मालूम नहीं है कितनी, तो एक्स में मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दूंगा एक केले के रुपए का, एक केले के रुपए कितने हैं 1/176, केला मतलब रेजिस्टेंस, है ना, एक केले की वैल्यू इतनी है। तो ये अपन ने इसके एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल केलो की कीमत पता चल जाएगी, कुल केलो की कीमत कितनी, मतलब कुल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, कुछ नहीं करा, कुल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से, है ना। तो हमने जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन हमारी बहुत मदद करेगी कुछ भी चीज सॉल्व करने में। तो x अपॉन 176, अच्छा मुझे r की वैल्यू चाहिए पड़ती है क्या, 1 अपॉन r की वैल्यू चाहिए पड़ती है, तो मैं इसको पलट दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अगर वो पलट दूंगा तो ये भी पलटना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ r बराबर से 176 बटे x आ गया। अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं बचा, बस मैंने बोला था ना आपको यही मैंने इसका, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, अब मैं दिया है का उदाहरण इसका यूज करूंगा, और दिया है के रूप से बस मेरे को कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा फॉर्मूला लगाना है जो कि इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है, वो है वी इक्वल्स टू अय्यर, बी मतलब बबीता, बबीता किसके बराबर है, अय्यर के बराबर है, बी मालूम है मुझे, मालूम है बी से शुरू होता है ये बी है, लेकिन याद करने के लिए क्या बुराई है, बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से अपन यूज करें यदि, तो बबीता इक्वल्स टू अय्यर, बबीता बोले तो अपने बबीता कहाँ से शुरू होती है, बी से शुरू होती है, जेठालाल के लिए हो सकता है बबीता बी से शुरू होती हो, बॉय वाले बी से शुरू होती है, अपने लिए कहाँ से शुरू होती है, वी से शुरू होती है, मैंने जेठालाल बोल दिया गलती से अय्यर के लिए, है ना। तो वी इक्वल्स टू अय्यर, वोल्टेज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, है ना, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू अपने पास है वो लिख देना है यहाँ पर, वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, आर की वैल्यू आपने जस्ट निकाली अभी, आर की वैल्यू कितनी आई 176 बटे x, इसमें पुट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 176 बटे x, ठीक। अपन को x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ले जाएंगे, 220 को इधर ले आएंगे, x बराबर से हो जाएगा, अभी 5 का मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 220 काट सकते हैं अपन 5 से, है ना, इसलिए उसको निकाल के रखो, 5 × 176/220, 5 से काट दे 220 काट देते हैं, 5 × 20, 5 × 20, 5 × 20, है ना, क्या ऊपर वाला 176 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 × 16, 4 × 16 एक बचेगा ना, 4 × 16, 4 × 16 ये कट रहा है क्या 4 से, बिल्कुल कट रहा है, 4 × 4, 4, 11 और 44, 11 के पार में 44 आता है, बोलो 11 बोलो, बहुत बढ़िया, तो 11 का भाग दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। भैया मुझसे बोला था, क्या बोला था, कट नहीं, x बराबर से 4, x क्या थी, संख्या थी, संख्या किसकी, संख्या केलों की नहीं रे, रेजिस्टेंस की संख्या, है ना, तुम समझो अभी भी केले ही समझ रहे हो, केलों की संख्या नहीं थी, रेजिस्टेंस, मतलब क्या, हम यदि क्वेश्चन बोल रहा था हमसे कितने रेजिस्टेंस को जोड़ोगे कि इतने इतने एम्पीयर विद्युत धारा लेगी और इतना वोल्टेज रहेगा, तो हम बोलेंगे कि भैया 4 प्रतिरोधकों को जोड़ना है। अच्छा संख्या में, संख्या का कोई इकाई होती है क्या, यदि मैं आपकी क्लास की बात करूं, अभी आपकी क्लास में जैसे अभी जो है वो 8 बच्चे मौजूद है, तो क्या संख्या की कोई इकाई होती है, मैं बोलूंगा कि
दो कर दें, थोड़े से नए बच्चे हैं ना, समझते नहीं है। अब चैट में बोलना पड़ेगा आपको जो भी बोलना है। तो मैं ये बोल रहा था अभी जैसे 8 बच्चे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, 8 किलोग्राम बच्चे हैं, 8 किलोग्राम बच्चे हैं, क्या बोलूंगा, 8 कूलाम बच्चे हैं, 8 वोल्ट बच्चे हैं, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं, संख्या की कोई इकाई नहीं होती है। मैं बोलूंगा मेरी क्लास में 8 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो 8 किलोग्राम वो इकाई थोड़ी ना होती संख्या की। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर जो है उनको ये याद रहता है कि हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो क्या कर देते हैं, 4 ओम लिख देते हैं या 4 वोल्ट लिख देते हैं, जबकि हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि रेजिस्टेंस की संख्या, मतलब कि हम कितने, क्वेश्चन क्या बोल रहा था मैं, कितने 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ोगे, कि वोल्टेज 220 रहेगा और करंट 5 एम्पियर हो जाएगा। तो अब हम जो है बोल सकते हैं कि भैया 4 प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे हम, तो संयोजित करते हैं यदि समांतर क्रम में, तो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा वो ले रहे होंगे, है ना। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी का एक और न्यूमेरिकल दूसरी तरह से दिया होता है, नॉर्मली न्यूमेरिकल ऐसे ही दिया रहते हैं। मान लीजिए आपके साथ जो है वो 4 रेजिस्टेंस जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, प्रत्येक की वैल्यू जो है वो 176 ओम है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जो कि कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की है। यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, हर एक प्रतिरोध कितने का है, 176 ओम का है। चारों प्रतिरोध कितने हैं, 176 लिखवाई लिया आके, 176 ओम के हैं। ओम नहीं लिखा है, मैं सबके सामने ओम नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर जो है वो एक विद्युत धारा बह रही है, हमको पता नहीं है वो कितने एम्पियर की विद्युत धारा है ना। तो हम क्या करेंगे, आई फाइंड करना है, तो हमारे पास ओम का ही नियम है। ओम के नियम से आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर। वी तो हमको दिया हुआ है, ओम का नियम है ना, ये वही वी इक्वल्स टू आई आर ही है। देखो मैंने इसको तिरियक गुणा करके लिख दिया, बस वी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अच्छा, वी तो हमको दिया हुआ 220 वोल्ट, हम आर और निकाल लें। आर कितना है, आर कैसे निकालेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हुए आर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है आर निकालने का, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r3, है ना। तो मैं डायरेक्ट बात वैल्यू रख दूं, 176 ओम प्लस 176 ओम लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, कितनी बार लिखूंगा, 4 रेजिस्टेंस है। अब हमको पता चल गया है ना 4 रेजिस्टेंस है, इसलिए जो है वो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं केवल हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना आपको करने की जरूरत है, मैं तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो अपना आंसर सही आया कि नहीं वो अपन कैसे डिफाइन कर सकते वो बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कई बार बोला है जब भी आधार समान हो तो अपन क्या करते हैं, ऊपर की चीजों को जोड़ देते हैं। 176 ओम ये लिखा गया आपका, और ऊपर क्या कर देते हैं, हम सबको जोड़ देते हैं, तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अगर हम 4 से काटे तो कितनी बार कट रहा है, 4 चौके 16 हो गया, कट गया। तो ये कितना आ गया, 1/r बराबर से आ गया 1/44। हमको 1/r चाहिए था कि r चाहिए था, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 44 ओम। आप बोलोगे भैया आंसर तो सेम नहीं आया, गलत आया, तो r नहीं निकाल रहे हैं अपन, i निकाल रहे हैं। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास, है ना, r की वैल्यू आ गई 44 ओम। i की वैल्यू निकालना है हमको, i की वैल्यू के लिए मान रख देंगे हम, कितना रखेंगे, 220 वोल्ट, 220 ये था, और r की वैल्यू कितनी आई, 44 आए। 11 से काट दें, 11 × 2 = 22, 0 का 0, 11 चौके 44, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। वही हमको हमारे सवाल में दी हुई हुई थी, है ना। हमने ये वाली जो माथा पच्ची करी है ये केवल आपको समझाने के लिए करी है कि अपन गलत नहीं कर रहे हैं, इसको चेक कर सकते हैं अपन, हालांकि उसको करना नहीं है आपको। देखो 5 एम्पियर ही दिया था हमको क्वेश्चन में, 5 एम्पियर भी द्वारा दी हुई थी, वही अपना आंसर भी आ रहा है ना, मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको कैसे अप्रोच रखना है, कुछ भी नहीं है सवाल में। पहली बात तो जो दिया हुआ है वो लिख देंगे हम, वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या करेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर हम एक चीज मान लेंगे कि जो रेजिस्टेंस लगे हमको पता नहीं कितने रेजिस्टेंस लगे हुए, डॉट 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 लगे हुए, तो यहाँ पर एक लाइन मुझे लिखना चाहिए जो मैंने नहीं लिखी है, वो यहाँ पर लिखना चाहिए, माना कि कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, माना कि एक्स प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक्स प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। पूरा नहीं लिखूं तो चलेगा,
समानता क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे भैया, x प्रतिरोध मतलब x के लिए हमारे पास x प्रतिरोध है, तो कुछ नहीं करेंगे x का मल्टीप्लाई कर देंगे एक प्रतिरोध के वैल्यू में। तो x का मल्टीप्लाई कर दिया, x का मल्टीप्लाई कर दिया एक प्रतिरोध के वैल्यू में। तो x जब मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में तो ये हमेशा अंश में लिखा जाता है ना। जब भी किसी संख्या का परिमेय वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ये कहाँ मल्टीप्लाई होता है, अंश से ही मल्टीप्लाई होता है, हमेशा मैथ्स का रूल है, है ना। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा अपन में 176 जाएगा। तिरियक गुणा करेंगे तो तिरियक गुणा करने पर हमें काय की वैल्यू पता चल जाएगी, r की। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अपना वर्ल्ड फेमस ओम का लॉ लगाएंगे जो कि है v इक्वल्स टू आई आर, हमारे पास v की वैल्यू दी हुई है, v इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा। पवन कहाँ से आ रहा है, अभी आ गया होगा। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ओम वर्ल्ड के जो अपना फेमस ओम्स का लॉ है, वी इक्वल्स टू आई आर, वी की वैल्यू अपन को पता है 220 वोल्ट, आई की वैल्यू 5 एम्पियर, आर की वैल्यू जस्ट अपन ने निकाली 176 बटे एक्स रख देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणित, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या जाएगी, संख्या में आएगी। तो संख्या की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए खाली ही रहेगा। हम आंसर बाकायदा लिखेंगे, क्वेश्चन को देखकर आंसर लिखना आपको मेरे ख्याल से आता है अभी तक। क्वेश्चन देखे क्या लेंगे, 176 ओम के चार प्रतिरोधकों को पाशक्रम जोड़ने पर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से के संयोजन से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो इसको आप चाहो तो जब कितने की जगह चार लिखो ना, तो चार अपन को ज्यादा दिखाना है अच्छे से, चार लिखने के बाद ब्रैकेट में ऐसा चार लिख देना काले पेन से, है ना। और आप चाहो तो अगर काला पेन नहीं लिखना चाहते हो, ब्लू पेन से लिखना, उसको अंडरलाइन कर देना, बाकायदा आपको आंसर लिखना चाहिए, है ना। पहली बात, तीन बातें हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, या फिर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जिसमें आपको 100% मार्क्स मिले, न्यूमेरिकल में नंबर ना कटे। तीन बातें कौन कौन सी है, पहली बात तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, बस दिमाग में तो क्लियर हो इसको अपन से पूछा क्या है। यदि आपसे पूछा है संख्या और आप बोल रहे हो प्रतिरोध निकाल रहे हैं, हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर तो गलत हो जाएगा। तो पहला मेन जो भी अपन जिस पे फोकस कर रहे हैं कि पहले सॉल्व करना तो आए, तो पहली चीज तो होगी सॉल्व करना। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको तरीके से लिखने के बाद उसकी इकाइयां लिखना, है ना। तरीके से लिखने में मेन दूसरी बात आ जाती है उसको तरीके से लिखना, जिसको हम बोलते हैं उसकी इकाइयां लिखना। आखिरी में इकाई नहीं भूलना चाहिए आपको, आखिरी में जब आंसर आता है ना, जैसे आर की वैल्यू आई तो उसमें ओम लिखना है, वोल्टेज की वैल्यू आई तो वी लिखना है, करेंट की वैल्यू आई तो एम्पियर लिखना है, तो वो इकाइयां लिखना नहीं भूलना है बिल्कुल भी, है ना। इकाइयां सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना है, कोई भी इकाई भूलना नहीं है। मैंने बाकायदा सारी इकाइयों के बारे में आपको बताया हुआ भी है ना, कि आवेश की इकाई क्या है, वोल्टेज की इकाई क्या है, करंट की इकाई क्या है, कार्य की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति इसको बोलते हैं, है ना, ऊर्जा की इकाई क्या है, सारी चीज सब कुछ बता चुका हूं मैं, तो उनकी इकाइयां आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई, पहली बात क्या, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, दूसरी बात क्या, तरीके से लिखना जिसमें इकाई लिखना आना चाहिए, तीसरी बात जो कि आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलवाती है, जब ये दोनों चीज कर लेते हो आप, इकाई भी सही लिखते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी सही करते हो, तो आखिरी में आपको क्वेश्चन का आंसर तरीके से लिखना है। मैथ्स में इस बात को ध्यान रखेंगे आप, है ना, आखिरी में आपको मैथ्स में एक लाइन में उसका आंसर लिखना है, अर्थात जो आपसे पूछा था, जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया हुआ था ना, उसी को अपने कम शब्दों में, जितना कम हो सके उन शब्दों को सबसे कम शब्दों में लिखकर आप उसको एक लाइन में जो है वो आंसर लिखो, बाकायदा इकाई सही, है ना। तो ये तीन चीजें आप सबको जब सही करते हो तो न्यूमेरिकल सही होता है, इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, अगला न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूँ आपको, ये 11वां वाला प्रैक्टिकल हो चुका है, और इसका अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर आप पिछली क्लास में नहीं थे तो आप इसको एक बार करके देखिएगा, इसमें का सवाल अपन पहले कर चुके हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा, केवल 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को आगे पीछे जोड़ना है ना, कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, अब बार बार क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि फिर से इसके जैसा है, सेम टू सेम, इसके सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इसी की तरह लग रहा है उसमें भी, है ना। तो अपन थोड़ी सी बार बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, तो बारवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली बात तो हम पढ़ना सीख लें इस क्वेश्चन को, कि पढ़ कैसे रहे हैं हम इसको, आंसर क्या है, मतलब कैसे क्या पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन मतलब कि उसमें मेंस भी होगा और न्यूट्रल भी होगा, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का, देखो बहुत से बल्बों का अनुमतांक कितना दिया हुआ है, 10 वाट दिया हुआ है, बहुत से बल्बों का अनुमतांक मतलब कि उस लाइन में बहुत सारे, जैसे शादी होती है ना, तो शादी में क्या होते हैं, वो ऑरेंज वाले बल्ब की पूरी लड़ लगा देते हैं ताकि अच्छा दिखे, माहौल बन जाए, चमकीला चमकीला दिखे, तो वो जो है बहुत सारे बल्ब लगा दिए, और हर एक बल्ब कितने वाट का है, हर एक बल्ब जो है वो 10 वाट का है। यहाँ पर ये वाली बात समझ जाइए आप, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन पढ़ने में, हो सकता है आप सोचो कि जितने बल्ब लगे हुए हैं उन सभी का टोटल वाट 10 वाट है, जबकि ऐसा नहीं है, हर एक बल्ब का, जितने भी बल्ब लगे हुए हैं उनका अनुमतांक कितना, 10 10 वाट के बहुत सारे बल्ब लगे हुए, कितने बल्ब लगे हुए नहीं बताया हमको,
यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, यदि आपसे बोल रहे हैं कि वो जो टोटल विद्युत धारा जो खींच रहे हैं वो 5 एम्पियर की खींच रहे हैं, तो आपसे बोल रहे हैं इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पाशक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो इधर फिर से बोला है कितने बल्ब, बल्ब की संख्या बताना है हमको, कितने बल्ब जोड़े होंगे समांतर क्रम में। तो है क्वेश्चन तो इजी है ना, तो अपन एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से वही वाला चीज बन रही होगी, कौन सी वाली चीज, समांतर क्रम में। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं अनुपतांक है बीच कितने पाश क्रम में संयोजित किए गए, इस चीज को फोकस करो आप। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको डिटेल क्या दी हुई है, पहली बार दी हुई है लाइन का वोल्टेज दिया हुआ है हमको, 220 वोल्ट की लाइन है। फिर उसके बाद एक बल्ब का वॉट रेटिंग दी हुई है कि एक बल्ब कितने वॉट का है, 10 वॉट का है। फिर उसके बाद धारा का मान दिया हुआ, विद्युत धारा 5 एम्पियर दी हुई है और बोला हुआ पाश क्रम में संयोजित किए गए हैं, ये बल्ब काय में लगे गए हैं, पाश क्रम यानी कि किसका बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं, है ना। तो हम इसका पहले रे डायग्राम बना ले, सर्किट डायग्राम बना ले इसका। रे डायग्राम मतलब होता है प्रकाश वाले से जुड़ा हुआ, किरण प्रकाशिकी से जुड़ा हुआ आता है वो, है ना। जबकि बुजुर्ग के लिए कौन से डायग्राम होते हैं, सर्किट डायग्राम होते हैं, या फिर विद्युत परिपथ हिंदी में बोलते हैं कि विद्युत परिपथ का डायग्राम। अच्छा, तो हमसे क्या बोला हुआ, देखो अब अपन जो है वो बल्ब के रूप में बनाते हैं इसको। मैंने आपको बताया कोई भी चीज का रेजिस्टेंस जरूर होता है ना, लेकिन मैं आपको इसको जो है वो बल्ब के रूप में बताता हूँ कि ये मान लीजिए कोई एक बल्ब है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, कैसे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है, ये एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ, एक बल्ब जुड़ा हुआ, कितने बल्ब जुड़े हुए नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता हमको कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। ये हमने एक बल्ब जोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करूं मैं, डॉट डॉट बना दूं यहाँ पर, तो एक बल्ब और जोड़ देता हूँ क्योंकि हमें पता नहीं कितने। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, आखिरी बल्ब में डॉट 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 बना देता हूँ, जिससे पता चलेगा कि हमको पता नहीं है कि कितने बल्ब जोड़े गए। बल्ब का सिंबल ऐसे ही होता है क्या, नहीं होता, इसके ऊपर एक गोला ही बनाना पड़ता है। राइटिंग पे ध्यान ना दें, डायग्राम पे ध्यान ना दें, बड़ी मेहनत से बना रहा हूं। ये बल्ब जोड़े, ये डॉट डॉट लाइन क्या दिखा रही है, हमें पता नहीं है कितने बल्ब जोड़े, लेकिन हमें क्या पता है, ये बल्बों को जिस बिजली सप्लाई से जोड़ा गया है वो बिजली सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट का करंट, 220 वोल्ट का वोल्टेज दे रही है ना। तो यहाँ पर मैं ये वाला साइन यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि 220 वोल्ट आपको दिख जाए ना तो आप समझिए कि वो घर की बात हो रही है, वो एसी की बात हो रही है। यहाँ पर ये 220 वोल्ट मैं लिख लेता हूँ कि भैया मेरे को दिया क्या है, डायग्राम में मैं वो चीज लिख लेता हूँ कि मेरे को दिया क्या क्या, 220 वोल्ट दिया हुआ। अच्छा, करंट की वैल्यू भी दी हुई है 5 एम्पियर, फिर से हमको करंट की वैल्यू वही दी हुई है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में थी 176 ओम वाले। यहाँ पर धारा का मान फिर से कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, तो आप लिख सकते हो I बराबर से 5 एम्पियर, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अच्छा, वहां पर हमको 176 ओम डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई थी, यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर इन्होंने बल्ब की वैल्यू दी हुई है कि हर एक बल्ब कितने वाट का है, 10 वाट का है, ये बल्ब भी 10 वाट का है, ये बल्ब भी 10 वाट का है, ये बल्ब भी 10 वाट का है, सारी चीजें जो है वो 10-10 वाट की दी हुई है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और समझ के करने वाला, 10-10 वाट का है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमको जो है पहले तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और अगर हमको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जो 176 ओम का रेजिस्टेंस था वैसा के वैसा हो जाएगा सेम टू सेम, है ना। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इस वॉट को कायम है, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको फट से सॉल्व कर लेंगे, है ना, कि हर एक बल्ब जो है